हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन द्वारा इस दौरान जनता को जागरूक करने के लिए मतदाता कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी के चलते आज करनाल में जिला पुलिस एवं नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे राहगीरी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। शहर के मुख्य मार्ग सेक्टर 14 से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक रंगोली बनाई गई, जिसके माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की गई है। इस अवसर पर नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर नीरज कुमार ने बताया कि लोकतंत्र में वोट का बड़ा महत्व है और हम सभी को जो लोग वोट नहीं करते उनको जागरूक करना चाहिए, ताकि लोकतंत्र के उत्सव में सभी की भागीदारी हो सके। इस मौके पर नगर निगम के अधिकारियों के अलावा राहगीरी टीम से जुड़े गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। देखिए मतदाता जागरूकता अभियान की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जैसे कि चुनाव का माहौल चल रहा है, उसी कड़ी में करनाल पुलिस द्वारा चलाई जा रही नगर निगम के साथ राहगीरी के सदस्य लोगों को वोट के प्रति जागरूक करने के लिए एक रंगोली बनाई गई है। हम बातचीत करते हैं नगर निगम के अधिकारियों से। हाँ जी, किस उद्देश्य से लेकर आपने ये? नमस्कार जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाली 21 तारीख को मतदान दिवस है और उसके तुरंत बाद दिवाली आ रही है, तो हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि जो दिवाली का जो पर्व है, उससे पहले जो प्रजातंत्र का जो पर्व आ रहा है, उसको हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना है। और हमने एक लक्ष्य रखा है कि एक भी मतदाता जो है वो छूट ना जाए, जो मत ना करे। हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं 21 तारीख के बारे में, अपने मत के अधिकार के बारे में लोगों को बताया जा रहा है कि मतदान हमारा कर्तव्य भी है और हमारा अधिकार भी। हमें इसका, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक रविवार करनाल शहर में राहगीरी का आयोजन किया जाता है। आज की जो राहगीरी रही वो हमने समर्पित की करवा चौथ के त्यौहार को और मतदान को। वहाँ भी हमने सभी करनाल के नागरिकों से अपील की कि आप सभी अपने मत का प्रयोग करें, और जो व्यक्ति ये सोच के बैठा है कि मेरे एक मत से क्या होगा, मेरी एक वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमें उसको जागृत करना है, उसको हमें प्रेरित करना है कि उसका जो एक वोट है वो बहुत कीमती है। इसी तरह से एक एक वोट मिलके पूरी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का, सरकार का निर्माण करते हैं। हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी रंगोली बना के यहाँ डोंट मिस वोटिंग के नाम से एक ये रंगोली बनाई गई है। मुस्कान है, हमारे राहगीरी से भी जुड़े रहे हैं, और इन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि सभी अपने अपने प्रयास करें। जैसे कि ये इस कला से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी रंगोली बनाते हैं, इतना अच्छा आर्ट पीस इन्होंने तैयार किया है। मैं मानता हूं कि जो भी व्यक्ति इस आर्ट पीस को देखेगा वो ज़रूर प्रेरित होगा और उसे याद रहेगा कि मुझे 21 तारीख को अपने मतदान का प्रयोग करना है। ये बहुत अच्छा प्रयास मुस्कान के द्वारा किया गया। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी प्रेरित करें, एक दूसरे को जागृत करें, ताकि हमारा जो मतदान है वो एक कीर्तिमान स्थापित करे। सबसे ज़्यादा मतदान हमारे शहर का हो, और सभी को हम अनुरोध कर रहे हैं कि मत जो है वो एक हमारी ऐसी शक्ति है जिसे हमें बेचना नहीं चाहिए, जिसे हमें किसी भी प्रभाव में आके नहीं डालना चाहिए। हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि ना मुद्रा में, ना मदिरा में, ना क्षेत्रवाद में, ना जातिवाद में, ना धर्म में किसी भी बात से प्रभावित होकर अपना मत ना दें। अपनी अच्छी मंशा के साथ, अपने विवेक के साथ जो व्यक्ति अच्छा है उसे अपना मत दें, लेकिन अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, तभी हम भारत को सुदृढ़ बना सकेंगे। और सभी से अनुरोध है कि जो दिवाली का पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है, उससे पहले जो पर्व आ रहा है प्रजातंत्र का पर्व, वो आधार है हमारे सभी त्यौहारों का। तो सभी से अनुरोध करते हैं कि भारत इसी तरह से हंसता खेलता फलता फूलता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि व्यवस्था अच्छी हो, और अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए हमें अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।